ओके डियर, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी में कुछ बेसिक कंसेप्ट है, तो कुछ बच्चों ने बताया था कि सर पहले कुछ कंसेप्ट क्लियर करा दो, फिर उसके बाद क्वेश्चन से कराना तो ज़्यादा बेटर होगा। तो फिर ठीक है, हम आज चलते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट है उनको देख लेते हैं क्या क्या कंसेप्ट है यहाँ पे। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करने वाले चार्ज के साथ। तो चार्ज क्या होता है, देर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस। चार्जेस ऐसा बेसिक कंसेप्ट होता है। देखिए, इससे पहले अगर आपको पूरा वीडियो और देखना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, पूरा पढ़ना है, तो आप एनएस एडू पॉइंट पे देख सकते हैं, एनएस एडू पॉइंट, ठीक है। इस पर आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। पूरा प्लेलिस्ट डाला हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें आप पूरा डिटेल में पढ़ाया गया इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हम आपको एक ब्रीफ रिव्यू दे रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो आपको स्टालिन मल्होत्रा का बुक है, तो उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो आपको कैसे सॉल्व होगा वो आपसे। तो इसमें कुछ हम आपको टोटल थोड़ा सा कंसेप्ट दे देते हैं, ताकि आपको एक ओवरव्यू आइडिया आ जाए कि सवाल सबको सॉल्व कैसे किया जाए, है ना। तो चलिए, तो चार्ज होता है, सबसे स्मॉल पार्टिकल्स की हम बात करेंगे, ये होता है, ठीक है। ये हमेशा जो है, चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो चार्ज सबसे पहले ये वो चीज़ होता है जब किसी बॉडी पर आ जाए तो उस पर अट्रैक्शन रिपल्सन क्रिएट करने का क्षमता रखता है चार्जेस, ठीक है। तो चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है यहाँ पे, ठीक है। चार्ज दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे अगर बात करें तो व्हेन एन एबोनाइट रड इज रब्ड विद फर, फर हो गया आपको, जैसे मान लीजिए कि एबोनाइट रड होता है, ठीक है। इसको अगर हम एबोनाइट का ही छड़ होता है, इसको हम अगर रब करें फर के साथ, मतलब फर मतलब हो गया आपको बिल्ली का खाल हो गया, या फिर और भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके खाल से अगर रब करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि एबोनाइट गेट नेगेटिवली चार्ज, है ना। तो एबोनाइट जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना, और ये जो फर है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके इस पर आया, तो इलेक्ट्रॉन लूज करके इस पर आया, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव। देखिए, हमेशा जो है चार्ज जो होता है ना, पेयर में जनरेट होता है, दैट्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव। किसी एक पे अगर नेगेटिव हो रहा है जनरेट, तो दूसरे पे ऑटोमेटिक पॉजिटिव ही जनरेट होगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, व्हेन अ ग्लास रड इज रब्ड विद सिल्क देन ग्लास रड गेट्स पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो अब एक ग्लास रड है यहाँ पे, ये तो एबोनाइट था, और ये ग्लास रड की अगर बात करें हम, ठीक है, इसको अगर हम सिल्क के साथ, सिल्क का कपड़ा है कोई, इसके साथ अगर मान लीजिए रब करते हैं, तो ये क्या होता है यहाँ पे रब करने के बाद, तो ये एबोनाइट वाला जो है, ये ग्लास वाला जो है, ये पॉजिटिव हो जाता है, और सिल्क ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो एक अगर पॉजिटिव होगा, दूसरा ऑटोमेटिक नेगेटिव होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है कि बस बेसिकली ये बात आपको ध्यान रखना है। अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी गेट्स और लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज बॉडी गेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये हमेशा ऐसा होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होता है वो हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हमेशा लूज करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को, और जो नेगेटिव चार्ज बॉडी होता है वो गेन करता है। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इसका जो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे पे, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का नहीं होता है। नेगेटिव चार्ज ही हमेशा किसी बॉडी से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकता है। तो अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नेगेटिव चार्ज जाएगा ना, तो हमेशा क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव चार्जेस जो होगा, ठीक है, एक बॉडी से लॉस होगा, दूसरे में नेगेटिव चला जाएगा, दूसरे में ऐड हो जाएगा। तो नेगेटिव लॉस होने का मतलब क्या, ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप ये बात को। तो क्या होगा, आपको समझ में आएगा बात कि अगर मान लीजिए दो बॉडी है ना, इससे क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया इससे ना, ये बॉडी इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, ठीक है, इस तरीके से क्या होगा यहाँ पे, तो इस पे आ जाएगा आपको नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा आपको पॉजिटिव चार्ज, ऐसा अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ तो। ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं आगे, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें डिस्कस करना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे ये बात चार्ज के बारे में कि बॉडीज विद द लाइक और सिमिलर चार्ज रिपल इच अदर, ऑन द अदर हैंड द बॉडी विद अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। ये भी बात सही है कि लाइक चार्जेस जो है आपस में रिपेल करेगा। लाइक का मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करेंगे ना, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा हमेशा, या नेगेटिव नेगेटिव ही है ना, हमेशा रिपेल करेगा। अगर मान लीजिए नेगेटिव और नेगेटिव की अगर हम बात करेंगे, ये दोनों आपस में क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर बात करें अनलाइक चार्ज, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये दूसरे एक दूसरे क्या करेगा, रिपेल करेगा हमेशा, ठीक है, सॉरी अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए फिर नेगेटिव है ना, और एक पॉजिटिव है, तो भी क्या करेगा, ये दोनों आपस में हमेशा अनलाइक चार्ज जब भी होगा तो हमेशा अट्रैक्शन होगा, ठीक है इसमें, और जब भी क्या होगा लाइक चार्जेस होगा तो उसमें
आपको पता चलेगा ये लाइक जब भी होगा तो रिपल्सन होगा, अनलाइक में अट्रैक्शन होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके फिर चलते आगे देखिए इसमें क्या दे रखा है कि व्हेन एन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विद फर, तो यहाँ पे फर क्या हो गया, फर मतलब कोई बिल्ली का खार हो गया या फिर ऐसे कुछ किसी का स्किन हो गया, ये फर हो जाता है। ठीक है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द फर टू द एबोनाइट रॉड, ये बात है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हुआ यहाँ पे है ना, तो ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है, देखिए आप ट्रांसफर हो रहा है फर से एबोनाइट रॉड पे, तो फर पे आएगा पॉजिटिव और एबोनाइट पे आएगा नेगेटिव इस तरीके से। देयरफॉर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द फर बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक द एबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज, कोई बात है इसमें अगर एक्सेस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन तो दैट विल मेक इट नेगेटिव चार्ज इस तरीके से। मतलब सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जिस पे गया वो नेगेटिव होगा और जिस पे जहाँ से आया वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बात हम आपको बता चुके हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया है ना इस तरीके से ऑब्जेक्ट। तो ए से अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बी पे गया है ना, तो इलेक्ट्रॉन इस पे आया तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी मतलब कमी हो जाएगा। ठीक इस तरीके से आगे बात करेंगे कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू चार्जेस एट रेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ देखिए बताते हैं, कूलम्स लॉ क्या कहना चाह रहा है, अगर मान लीजिए दो चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ना एफ, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के Q1 Q2 होगा। ठीक है, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच में हमारे यहाँ से डिस्टेंस आर है तो इन दोनों का जो एफ जो होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। ठीक है, दोनों के बीच के डिस्टेंस का प्रोपोर्शनल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अच्छा ये बात है, जब फोर्स कब काम करे, जब इन दोनों के बीच में एक लाइन ज्वाइन कर दे और इनके बीच में फोर्स काम करे तब, है ना, ये ध्यान रखना आपको। बाकी तो फोर्स और भी कहीं डायरेक्शन में काम कर सकता है, क्योंकि फोर्स जो इधर भी काम कर सकता है लेकिन दोनों के बीच का हम बात करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये बात, आपको और भी चार्जेज अगर आ गया यहाँ पे ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको हमेशा इन दोनों के बीच में जो लाइन ज्वाइन होगा इनके बीच में फोर्स काम करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे कि एफ, अच्छा इन दोनों से आप अगर एफ का वैल्यू निकालना चाहते दैट विल बी दैट विल गिव्स टू यू, तो यहाँ पे कंसिडर कर रहा है क्यू वन क्यू टू दो चार्जेस है सेपरेटेड डिस्टेंस डी है ना एंड अट्रैक्शन बाय द और रिपल्सन बाय द फोर्सेज एफ इज गिवन बाय, वही बात है यहाँ पे Q1 Q2 दो चार्जेस है दोनों के बीच का डिस्टेंस आर था उसमें डी कहा, तो मान लेते हम डी ही है दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, दैट इज डी और एफ इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 टाइम Q2 हो जाएगा एंड एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² मतलब 1/d² हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन दोनों को कंबाइन करें ना तो इनसे एक हमको फॉर्मूला निकल जाता है, वो फॉर्मूला के आगे देख लीजिए हम क्या इसको देखते हैं, तो दैट इज़ व्हाट, ये हो गया एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d², दोनों को मिला के जो है ना एफ Q1 टाइम Q2 d² आता है, एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू के Q1 Q2/d². अच्छा इनसे आपको एक चीज़ समझ में आएगा क्या, यहाँ पे के क्या है, ठीक है, व्हाट इज हियर के, ठीक है, तो के देखिए क्या यहाँ पे के को बोलते हैं कूलम कांस्टेंट। ठीक है, तो अब के का कूलम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, तो वैल्यू आपको होता है यहाँ पे दिया हुआ है 9×10⁻¹ मीटर। ठीक है, 9×10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक चीज़ दे रखा है कि दो बॉडी यहाँ पे फोर्स Q1 है यहाँ पे Q2 चार्ज है, दोनों तो पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा इस तरीके से दूर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक माइनस है और ये भी माइनस है तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा रिपेल होगा। अच्छा ये पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें यहाँ पे, अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो क्या होगा यहाँ पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ना, इसमें अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला से हमें दोनों में बस आपको फोर्स बताने अट्रैक्शन या रिपल्सन यहाँ पे, क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन और रिपल्सन तभी होगा जब चार्जेज अनलाइक होगा और लाइक में क्या होगा आपको पता है रिपल्सन होगा, ये लाइक है ये भी लाइक है ये अनलाइक है और ये भी अनलाइक है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आगे हम बात करते हैं ऐसा यूनिट इसका क्या होता है। ठीक है, तो आगे देखिए ऐसा यूनिट यहाँ पे क्या हो गया एफ इक्वल टू 9×10⁻¹
q1 q2 अपन डी स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है कूलम होता है, तो आपको पता ही है ना, q1 q2 अपन डी स्क्वायर यहाँ पे आ गया। तो फोर्स जो आएगा, अगर मान लीजिए दोनों के बीच का, अगर एक ये है, ये वन है ना, सबको अगर वन वन रखते, मतलब क्या हुआ कि क्यू को भी, q1 को भी अगर वन रखे, है ना, q2 को भी अगर वन रखे, एंड यहाँ पे डिस्टेंस को भी 1 मीटर रखे, इनफैक्ट तो सब कुछ अगर 1-1 है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1-1-1, तो आपको ये, आपको फोर्स विल बी दैट इज इक्वल टू 9×10⁻¹ आएगा, सॉरी 9×10⁻¹ आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये फोर्स आ जाएगा आपको, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा फोर्स का, और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है ना, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इतना न्यूटन फोर्स होगा, आप इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर 1 मीटर की डिस्टेंस रखा गया तो इससे आप चार्ज भी निकाल सकते हैं, दैट इज 1 आएगा, ये दोनों कट जाएगा आपस में, ये क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, क्यू इक्वल टू 1 आएगा, मतलब इतना कूलम का अगर फोर्स लग रहा है ना, इतना न्यूटन का अगर फोर्स लग रहा है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, चार्ज 1 कूलम रखा हुआ, वन कूलम चार्ज के बीच में ये इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा, है ना। इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। फिर आगे क्या पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं, क्या पॉइंट्स दिया आगे में। तो क्यू इक्वल टू हो गया ±1 कूलम, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे बात करते हैं इसमें क्या है कि दस 1 कूलम इज द चार्जेस विच वुड रिपेल एन इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर फ्रॉम इन वैक्यूम विद द फोर्स 9×10⁻¹। अब एक बात समझ सकते हैं आप कि 1 कूलम होता क्या चार्ज। तो 1 कूलम वो चार्ज होता है जो 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ बॉडी को, ठीक है, ठीक है, ये 1 अगर हो गया तो कितना फोर्स जनरेट करेगा, दैट विल बी 9×10⁻¹ न्यूटन के बराबर, है ना, फोर्स जनरेट करेगा। तो ये फोर्स जनरेट करने के लिए 1 मीटर डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इतना न्यूटन अगर फोर्स जनरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज़ व्हाट, इतना न्यूटन अगर फोर्स जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच का जो चार्जेस है 1 कूलम है, ठीक है। ये अब देखिए, चार्जेस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो उसमें अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ भी फोर्स हो सकता है, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, बस हमें ये चीज़ पता करना है कि हमें ये इस टाइप से हो सकता है, ठीक है। आगे फिर आगे देखते हैं क्या है, देखिए, ओके, तो हम यहाँ से नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे अ चार्ज बॉडी मॉडिफाई द स्पेस अराउंड इट इन सेम वे सेटअप एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इट, दस द स्पेस अराउंड द चार्ज बॉडी इन विच द इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट इन द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, क्या रखा कि एक चार्ज बॉडी जो होगा ना, ये अपनी जैसे एक चार्ज बॉडी होता है अपने चारों ओर स्पेस मॉडिफाई करता है, इस तरीके से ये अपने एक चार्ज बॉडी जो होगा ना, चारों ओर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है इस तरीके से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक चार्ज बॉडी अपने चारों ओर एक स्पेस मॉडिफाई करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एग्जर्ट द फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज बॉडी प्लेस इन द फील्ड, मतलब क्या हुआ, अगर किसी बॉडी को इसके फील्ड में रख दे, यहाँ पे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को रख दे, तो यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस वजह से इस पर एक फोर्स एग्जर्ट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, यही फोर्स एग्जर्ट करता है किसी बॉडी पे, अगर इस फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट आएगा तब, है ना, मतलब इसका एक लिमिट है कहाँ तक इसका फील्ड लगेगा। अब इसका मतलब ये ऐसा कि इसका इन्फिनिटी तक लग जाएगा फोर्स, है ना, तो इसका जहाँ तक फोर्स का इन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज का जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ तक में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर इसका फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्सन का डिटेक्ट हो सकता है इजीली वे में, ठीक है। तो आगे बात करेंगे यहाँ पे क्या कि देखिए, ओके, द चार्ज बॉडी एग्जर्ट फोर्स ऑन द अनदर बॉडी अनदर नॉट डायरेक्टली बट थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्या हुआ कि अगर एक चार्ज बॉडी की अगर बात करें ना, तो फोर्स कैसे एग्जर्ट करता है एक दूसरे बॉडी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ही चार्ज फोर्स एग्जर्ट करता है। अगर ये चार्ज है तो आपको बताया अभी कि इसके अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट आएगा ना, तभी इस पर फोर्स एग्जर्ट करेगा, इस तरीके से इस पर फोर्स अट्रैक्शन रिपल्सन का डिटेक्ट होगा। तो किसी एक चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा बॉडी आता है तो वो एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करता है। अब आगे बात इसमें दे रखा है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज बॉडी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन व्हाट, द स्ट्रेंथ ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधी बात है, देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर फोर्स डिपेंड करेगा। मान लीजिए एक चार्ज बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ दूरी पे जो है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो देखिए दूरी कितना है इस पर डिपेंड करता है,
पहली बात। दूसरी बात, स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से क्या इस पर स्ट्रेंथ था, मतलब इसका जो है पावर कितना ज़्यादा यहाँ पे है ना, इस पॉइंट पे। पॉइंट ये ए है और यहाँ पर मान लेते पॉइंट बी है, तो बी पॉइंट और ए पॉइंट पे कितना ज़्यादा किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। देखिए बी नज़दीक में तो बी पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और ए दूर में तो ए पे स्ट्रेंथ कम होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बी पे ज़्यादा होगा और ए पे कम होगा, इस तरीके से, ठीक है। ओके, दूसरी बात है यहाँ पे कि द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। अच्छा, अब चार्ज बॉडी पे कितना है उस पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए ए पे कितना चार्ज है, ठीक है, ये अगर बॉडी रखा हुआ है यहाँ पे और इस पर अगर ज़्यादा चार्ज है तो इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। हो सकता है अट्रैक्शन हो या हो सकता है रिपल्सन हो, लेकिन फोर्सेज की क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, ये उस पर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज सिंपली कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय ई। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस इन दैट फील्ड। मतलब क्या हुआ, देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे किया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इसी बॉडी पे फोर्स कितना लगा और चार्ज कितना यूनिट हुआ, ठीक है, कितना चार्ज है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको ध्यान रखना, ये फॉर्मूला भी बन जाता है आपको, ये फॉर्मूला को ध्यान रखना। और ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसमें आपको हम बताएं, क्वेश्चन जो आगे है इसमें वो काम पड़ेगा आपको, इसमें ये जो फॉर्मूला है ना, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसमें आया है यूज। और अच्छा, ये लाइन का मतलब होता है इसमें, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, जिसके ऊपर अगर कोई लाइन आपको दिख जाए किसी भी नंबर के ऊपर या किसी भी सिंबल के ऊपर, तो समझिएगा वो दैट इज वेक्टर क्वांटिटी है। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा आपको ई टाइम्स क्यू, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पे आगे बात का यहाँ पे क्या कि देखिए, दी ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। सीधी बात है, न्यूटन पर कूलम होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी अभी बता चुके हैं। एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द सेम इज द डायरेक्शन विद यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव व्हेन फ्री ड्रो। ओके, मतलब क्या हुआ, देखिए सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वही होगा जो यहाँ पे इसमें फोर्स का जो डायरेक्शन होता है। सिंपल बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ट्यूब किधर मूव कर सकता है ना, चार्ज जिधर मूव करेगा ना, मूव करने का जो चार्ज का कैपेसिटी है, जिस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे आगे हम बात करेंगे, जस्ट एज हीट फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट हाइयर टेम्परेचर टू द बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर, लिक्विड फ्लो एट द हाइयर लेवल ऑफ ग्राउंड टू द एंड हाइयर लेवल ऑफ टू द लोअर लेवल एंड चार्ज फ्लो फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। अब देखिए एक बात समझ में आना चाहिए आपको कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर अगर कोई बॉडी अगर बहुत ज़्यादा हॉट है ना, उससे कॉल्ड की ओर जो है टेम्परेचर का मूवमेंट होता है, ठीक है। अगर कोई हॉट बॉडी है तो हॉट बॉडी से कॉल्ड की ओर। उसी तरीके से वाटर जो है ना, वाटर जो है हाई लेवल से लो लेवल तक आता है, ठीक है। इस तरीके से वाटर अगर एक ज़्यादा ऊंचाई पर है, यहाँ से पानी छोड़ दिए नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन करंट के लिए क्या चाहिए, करंट के लिए ना आपको एक चीज़ चाहिए होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। तो ये हाइयर पोटेंशियल डिफरेंस से लोअर पोटेंशियल डिफरेंस की ओर मूव करता है, ठीक है। तो पी डी एक हाई होना चाहिए, ठीक है, और पी डी एक लो होना चाहिए। तो हाई पी डी से लो पी डी की ओर चलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पी डी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो करंट का मूवमेंट तभी पॉसिबल है या चार्ज का मूवमेंट तभी पॉसिबल है, एक हाई पोटेंशियल पे हो, एक लो पोटेंशियल पे हो, तब हो सकता है ऐसा, ठीक है। अच्छा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज डिफाइंड एज द इट्स इलेक्ट्रिकल कंडीशन दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन अनदर कंडक्टर इज प्लेस्ड इन कंटेक्ट विथ इट। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है। ये किसी भी बॉडी का चार्ज कह सकते हम यहाँ पे, देखिए इसको तो हम डिटेल में समझा देते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडीशन, इसका एक ऐसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है डिफाइन किया जाता है कि इसका एक इलेक्ट्रिकल कंडीशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। जब कोई दूसरा कंडक्टर इसमें रखा हो तो उससे क्या पता चलेगा, एक बॉडी जहाँ कहाँ से कहाँ जा सकता है। मतलब सिंपल सी बात है कि आप कह सकते हैं एक बैटरी, यहाँ पे इस बैटरी में चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे चार्ज जो फ्लो होता है निगेटिव से पॉजिटिव को चार्ज फ्लो होता है, और फ्लो तभी होगा, तो ये हायर पोटेंशियल पे है ना, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। एक मतलब एक पोटेंशियल का है, एक का पोटेंशियल है, एक का पोटेंशियल लो होगा, ठीक है। इस तरीके से दैट विल बी मैक द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, बाकी तो ऐसे नॉर्मली नहीं हो सकता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे दूसरा भी पॉइंट दे रखा है कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ चार्जेज है पहले से,
तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को या चार्ज को यहाँ से ला के हम यहाँ पुट कर रहे हैं। तो एक पॉइंट से चार्ज को यहाँ पे देने में जो है मेरा कुछ ना कुछ फोर्स काम कर रहा है। तो ये जो फोर्स काम कर रहा है दैट इज़ व्हाट, ये जो फोर्स काम कर रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क डन इन द ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब क्या हुआ कि इन्फिनिटी से ला के हम क्यू पे चार्ज को रखें तो वी इक्वल टू होगा यहाँ पे डब्ल्यू अपन क्यू। वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो यहाँ का पोटेंशियल हमको चाहिए इस पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पे बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट का अगर हमको पोटेंशियल चाहिए होगा, ठीक है, तो हमको इन्फिनिटी से, अगर मान लीजिए इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, इन्फिनिटी से बी तक लाने में क्या वर्क करना पड़ा और कितना चार्ज को मूव कराए, दैट विल बी द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इवन इफ एट बी। मतलब कि पोटेंशियल एट बी क्या होगा, इन्फिनिटी से बी तक या इन्फिनिटी से बी तक लाने में ऑब्जेक्ट को कितना काम करना पड़ा, दैट इज डब्ल्यू, एंड कितना चार्ज मूव कराया हम, दैट इज क्यू। तो वी अब डब्ल्यू अपन क्यू कर लीजिए, अब डायरेक्ट आपको पी डी मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसको जान सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर चलते आगे, देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज में चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। तो इन्फिनिटी से है ना उस पॉइंट पर अगर आ जाए तो दैट इज कंसिडरेशन को हम देखते हुए, मतलब कितना चार्ज मूव किया है, दैट विल बी पोटेंशियल। उसके बाद आगे दे रखा है यहाँ पे कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वोल्ट होता है, ठीक है, वी। एलेक्सांद्रे वोल्टा नाम के साइंटिस्ट था, उनका जो बैटरी का खोज होने की वजह से उसके नाम पे वी आया इसका, ठीक है। तो वी गलू क्या हो यहाँ पे, दैट इज व्हाट, डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। तो ये आपको हम फॉर्मूला पहले ही बता चुके हैं, अभी भी फिर से बता रहे हैं, ये वी इक्वल डब्ल्यू अपन क्यू आ गया। अब वन वोल्ट कैसे डिफाइन करें, तो ये भी वन आ गया, वी वन आ गया, ठीक है। इस तरीके से वन वोल्ट इक्वल टू वन जूल पर कूलम होगा, ठीक है। इस तरीके से द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज टेकन एट जीरो, ठीक है। तो अर्थ का जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मानते हैं ना, ये जीरो होता है, क्योंकि सारे चार्ज आपको अर्थ में डाल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा अर्थ को, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड अवर मदर अर्थ, ठीक है। तो मैं मतलब इसमें कितना भी चार्ज डालिए, कुछ भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थ जो है ना दैट इज न्यूट्रल ही रहेगा, ठीक है। अर्थ पे कभी भी कोई चार्ज का इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हो गया कि एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। मतलब क्या हुआ, एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर जो होता है ना, इसके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, ठीक है। एंड आइसोलेटेड नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर हैज नेगेटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। कोई बात है कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी चार्ज पॉजिटिवली है तो क्या होगा उसमें, तो उसमें क्या होता है यहाँ पे कि नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। एंड अगर बात करें कि अनचार्ज कंडक्टर हैज जीरो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले के पास पॉजिटिव है ना, यहाँ पे ध्यान रखना आपको क्या है कि आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज जो भी होगा, आइसोलेटेड जो भी पॉजिटिव मतलब क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर बात कर लें, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर जो है ना, इसमें इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट विल बी पॉजिटिव, और जो नेगेटिव वाला होगा इसका हो जाएगा नेगेटिव। आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है, देखिए कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ पॉजिटिवली द इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस भी डायग्राम कह सकते हैं, इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर बात करते हैं दो पॉइंट से, हमको दो पॉइंट का हमको निकालना है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो यहाँ से मान लीजिए बी बी माइनस बी ए कर दे, तो ये कितना चार्ज हुआ यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में, दैट इज डब्ल्यू, और कितना यहाँ पे वर्क डन हुआ दैट इज क्यू, सॉरी, और कितना यहाँ से यहाँ तक वर्क डन हुआ ए से बी तक में, दैट इज क्यू, सॉरी दैट इज डब्ल्यू, एंड कितना चार्ज मूव हुआ दैट इज क्यू। तो इस तरीके से, अच्छा, हम डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू हम मेजरमेंट कर सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगा के, यहाँ पे कितना यहाँ से यहाँ जाने में कितना फोर्स लगा, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है ना, उस तरीके से, और फोर्स कूलम्स लॉस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमको पता चल गया ए से बी तक जाने में कितना ज़्यादा वर्क हुआ और कितने चार्ज मूव हुए, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको पी डी का फॉर्मूला आप ध्यान रख लीजिएगा। ये ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर द सेम। दोनों का जो ऐसा यूनिट होगा ना, बी ए माइनस बी बी का, ठीक है, बात भी सही है, बी ए माइनस बी बी का पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, दैट इज वोल्ट ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ वोल्ट में से कुछ वोल्ट माइनस होगा तो दैट विल बी वोल्ट, है ना। इस तरीके से द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ध्यान रखिएगा, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। पीडी जो ये स्केलर है।
आगे बात करते हैं यहाँ पे क्या कि देखिए, वन वोल्ट इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ वन जूल वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इन द ब्रिंगिंग वन कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब वही बात है कि अगर वन जूल की बात करें तो वन जूल होता क्या, ठीक है। तो वन जूल क्या होता है इसको हम अगर समझें तो आई होप कि ये बात आप समझ सकते हैं, दैट इज वॉट वन वोल्ट इक्वल टू वन डब्ल्यू अपन वन क्यू अगर आ जाए तो दैट विल बी वन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज वन वोल्ट इफ द जूल वर्क डन मूविंग वन कूलम चार्ज वन पोटेंशियल बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर इन द बाय द मीन्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कॉल वोल्ट मीटर। ओके, मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ये बात तो वही लिखा हुआ है कि दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी डिफरेंस इन द पोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी, दैट विल पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर का, ठीक है। वोल्ट मीटर ये पैरेलल में यूज होता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर हमेशा क्या होता है, पैरेलल में यूज करते हैं। और इसका आप ध्यान रखिएगा, पैरेलल यूज करते हैं इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये बहुत ही हाई होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का रेजिस्टेंस क्या होता है, ये बहुत हाई होता है, ठीक है। अच्छा, और एक अमीटर होता है जो करंट मेजरमेंट करता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही लॉ होता है, ठीक है। उसको हम आगे देखते हैं, देखिए इसमें होगा, हो सकता है आगे। तो व्हेन टू चार्ज्ड बॉडीज आर एट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आर कनेक्टेड बाई मेटल वायर एंड इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट अ हाइयर पोटेंशियल टू अनदर बॉडी एट अ लोअर पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक करेंट स्टॉप फ्लो फ्लोइंग व्हेन द पोटेंशियल एट पी एंड क्यू आर सेम। सिंपल सी बात है, देखिए मान लीजिए अगर एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, इसको अगर हम कनेक्ट कर देना वायर से तो ए से जो है करंट का फ्लो होना बी तक शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ये ए हाई पोटेंशियल पे है ना और बी लो पोटेंशियल पे है तब, अच्छा दोनों अगर जब बराबर पोटेंशियल पे हो गया ना तो कोई फ्लो नहीं होगा ना, तो नो फ्लो ऑफ करंट विल बी टेक प्लेस, ए हो गया और ये बी हो गया। तो ए से बी पे जो है कोई फ्लो नहीं होगा जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तब, ठीक है। लेकिन हाँ, दोनों का जब पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा ना तो पक्का हमेशा हाई से लो की ओर करंट का फ्लो होगा ही होगा, ठीक है। चार्जेस का फ्लो होगा ही होगा, ठीक है। इस तरीके से हम जान सकते हैं, ऐसे चार्ज का जो फ्लो होता है ना दैट विल बी करंट, है ना। फ्लो ऑफ चार्ज जो है यही करंट होता है, आगे हम देखेंगे इसको, ठीक है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, देखिए क्या है यहाँ पे। ओके, तो इसमें हाइयर पोटेंशियल ये है और लो पोटेंशियल यहाँ पे होगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो है नहीं, हम बना देते हैं। तो ये लो पोटेंशियल होगा तो यहाँ से यहाँ चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, या एक दो ही मान लीजिए, इसमें प्लस है। जिस तरीके से हाई से लो की ओर आने लगेगा यहाँ पे, तो जहाँ पे हाई पोटेंशियल होगा ना, ठीक है, और जहाँ पे लो होगा तो हाई से लो की ओर करंट का फ्लो होने लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हाई हो गया और ये लो पोटेंशियल हो गया, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पे, देखिए क्या है कि द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर से सम मेटल्स वायर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिस थ्रू गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन वन सेकेंड। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि वही बात है, किसी कंडक्टर से क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है एक सेकेंड में, दैट विल बी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे से, है ना, मान लीजिए 500 इलेक्ट्रॉन पास हो गया एक सेकेंड में, तो दैट विल बी 500 कूलम, है ना, चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से जितना 500 एम्पियर करंट हो जाएगा तब, है ना। तो जितने यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है एक सेकेंड में दैट विल बी करंट, है ना। तो अगर मान लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है ना एक सेकेंड में, दैट विल बी 20 एम्पियर हो जाएगा। करंट कैसे यूनिट एम्पियर होता है वो अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, दैसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर एंड डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए, तो ये ए से डिनोट किया जाता है एम्पियर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, ओके, आगे बात करेंगे हम, ए टी स्केलर क्वांटिटी, तो ये स्केलर होता है, ठीक है, इसमें कोई मतलब डायरेक्शन नहीं होता। एंड आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, इफ़ क्यू कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू आ कंडक्टर इन टी सेकेंड दैन करंट आई इज गिवन बाय आई इक्वल टू क्यू पर टी होता, ठीक है, तो ये हो गया। आगे वन एम्पियर की हम बात करें तो वन एम्पियर वन कूलम बाय वन सेकेंड होगा वन एम्पियर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करके वन एम्पियर इक्वल टू वन कूलम पर सेकेंड यहाँ पे, ठीक है, वन मिली एम्पियर इक्वल टू 10^-3 एम्पियर, ठीक है, एंड वन माइक्रो एम्पियर होता है यहाँ पे, ये म्यू का सिंबल होगा, ठीक है, तो वन माइक्रो एम्पियर, ठीक है, इस तरीके से होता है।
इक्वल टू 10^-6 एम्पियर का, ठीक है। एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एमीटर, ठीक है। तो ऐसा जो मेजरमेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको हम एमीटर बोलते हैं। इसका सिंबल इस तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो ये हमेशा सीरीज में लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। ये हमेशा कहाँ लगता है? सीरीज में, ठीक है। और एक बात, पहली बात तो सीरीज में लगता है, दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वेरी लॉ होता है, रेजिस्टेंस जो है इसका, ठीक है, दैट इज़ वेरी लॉ। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज द इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बाय अ सेल थ्रू द अदर सर्किट आउटर सर्किट। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे एक बैटरी है जिसमें हमको करंट का डायरेक्शन पता करना है, ठीक है, तो दैट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। ये होगा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, ठीक है, इसका उल्टा होगा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है ना यहाँ पे, ठीक है, इसका उल्टा होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, और जो करंट का डायरेक्शन होगा दैट विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये करंट हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आगे बात करेंगे, इन द केस ऑफ मेटल वायर द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन अ सेल और बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द मेटल वायर। मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें एक, ठीक है, सेल और बैटरी की अगर बात करें, ये अगर कनेक्टेड है किसी भी मेटल वायर से, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा, तो द इलेक्ट्रॉन इन द मेटल वायर फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। वही बात है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा ना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का टर्म, ये हो गया फ्लो, ठीक है, और ये करंट का फ्लो हो गया। तो यह आप ध्यान रखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव और करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हम लोग, नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है इसमें। तो मैग्निफाइड व्यू एक मेटल की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है ना। अगर यहाँ पे बैटरी लगाया जाता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है यहाँ पे। तो ये डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन करंट का ये है इलेक्ट्रॉन, देखिए जबकि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन करंट का डायरेक्शन हम इधर ले रहे हैं। तो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि निगेटिव चार्ज होता है एंड प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो हम मानते हैं क्या कि पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होगा निगेटिव का पक्का उल्टा होगा, ठीक है। इस वजह से हम पॉजिटिव के डायरेक्शन, देखिए एक्चुअली इसके पीछे कुछ ज़्यादा वजह नहीं है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवर हुआ, बाद में इलेक्ट्रॉन आया इसकी वजह से। तो जो साइंटिस्ट सब थे उसने जो करंट का डायरेक्शन रखा पॉजिटिव टू निगेटिव रखा सुविधा के लिए, ठीक है, निगेटिव। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन हुआ तो पता चला इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बनता है, तो इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव से पॉजिटिव बनता है। तो इस वजह से कन्फ्यूजन दूर करने के लिए तो उसने इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव रख दिया, और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव रख दिया गया, ठीक है। तो ये मेन रीजन था। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कि अ कंटिन्यूस पाथ कंप्रेजिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरी अलॉन्ग विथ एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज सर्किट। मतलब क्या हुआ कि किसी भी यहाँ पे एक अगर सर्किट हमको बनाना है, तो हम बैटरी बना सकते हैं इसमें, है ना, इस तरीके से। तो ये सब मिला के आपको दैट इज, ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो वोल्टमीटर यहाँ से हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, एंड एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो एमीटर को यहाँ से हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड एमीटर कनेक्टिंग सीरीज विद सर्किट, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द वेरियस कंपोनेंट इज शोन इन द बिलो, दिस डायग्राम इज आल्सो कॉल्ड सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो ये सब डायग्राम आपको सर्किट डायग्राम बनाने आता है, तो ये आपको कह सकते हैं दैट इज सर्किट डायग्राम। ये हो गया आपको दैट इज द रजिस्टेंस, है ना, ये रजिस्टर हो गया और ये एमीटर हो गया, ठीक है। ठीक है, रजिस्टर और रजिस्टेंस में क्या अंतर होता है, तो फिक्स रजिस्टेंस को रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो रजिस्टेंस फिक्स ना हो तो रजिस्टर्स नहीं कहते, तो रजिस्टर जैसे 10 ओम का हो गया, 12 ओम का, दैट इज फिक्स रजिस्टर हो गया, दैट इज, और रजिस्टर क्या लगा है ना, तो रजिस्टेंस जो होता है किसी फिक्स यूनिट में, तो दैट इज रजिस्टर्ड। अभी कंडक्टिंग वायर हो गया ना यहाँ से, और ये हो गया आपको बैटरी। इस तरीके से आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट कुछ कंपोनेंट है इसमें, तो इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कह सकते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग
करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मतलब करंट जो फ्लो हो रहा है ना आई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है, बी के, मतलब अगर हम बी बढ़ाए तो आई भी बढ़ेगा इस तरीके से, ठीक है। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेंस सेम, वही बात है कि इसमें टेम्परेचर को ना बढ़ाया जाए, टेम्परेचर से अगर चेंज होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर से एक प्रॉब्लम होता है, वो आपको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्या प्रॉब्लम होता है। मतलब कहना क्या हुआ कि यहाँ पे सीधी बात है कि किसी भी कंडक्टर में बी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको इक्वल करने के लिए इन द मेटलिक कंडक्टर ए बी द टेम्परेचर यहाँ पे दे रखा है, ए यहाँ पे और बी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि रिमेंस कॉन्स्टेंट एंड द कंडक्टर इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी स्ट्रेन इफ बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इन ए एंड बी आई द करंट फ्लो थ्रू इट वेयर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो गया यहाँ पे, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई हो गया यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि हम बैटरी को चेंज करेंगे तो आई चेंज होगा, वी इक्वल टू हो गया आई, यहाँ पे आई कॉन्स्टेंट है इक्वल टू आर के बराबर हो गया, ठीक है, और आर इक्वल टू कह सकता है बी अपन आई हो जाएगा, तो रजिस्टेंस होगा बी और आई का रेशियो होगा दैट इज रजिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे क्या है कि वेयर आर इज कॉन्स्टेंट एंड नॉन टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर इज ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द फ्लो करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, है ना। तो प्रॉपर्टी मतलब रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी होता क्या होता है यहाँ पे कि कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, इससे क्या होगा करंट को अपोज करना, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट आर डिपेंड्स ऑन द नेचर लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, किस पर डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट आर का जो है डिपेंड करेगा दैट इज यहाँ पे आर जो है डिपेंड करता है बी एंड आई, और दूसरी बात क्या है यहाँ पे कंडक्टर के टेम्परेचर पे, कंडक्टर चेंज ना होना चाहिए, कंडक्टर का टेम्परेचर अगर चेंज हो गया ना तो आपको पता होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ने पे, ये कंडक्टर में ऐसा खासियत होता है, ठीक है। लेकिन सेमी कंडक्टर में ठीक उल्टा होता है इसका, ठीक है, सेमी कंडक्टर में ये तो कंडक्टर की बात करें, ठीक है, सेमी कंडक्टर में आपको क्या होगा, ठीक है, आपको इसका रीजन जानना है तो जान सकते हैं, क्योंकि हम रीजन अभी नहीं बताएंगे, या फिर आपको एनएस पॉइंट पे जाके आप उसका प्ले लिस्ट चेक कीजिए, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पाएँ डिटेल में सारा चीज़ है उसमें सारे रीजन को हम बताएं, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा अगर टाइम सबको एक एक करके डिस्कस करें तो, क्योंकि ये शॉर्ट है इसलिए आपको हम शॉर्ट बता रहे हैं, बाकी आपको कभी एग्जाम में टेंथ के बोर्ड में कभी नहीं पूछेगा कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो कैसे करता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो उसके बाद फिर आर घटेगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो, ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, किस में आ गया दैट इज डिपेंड्स ऑन, और ये सेमी कंडक्टर में होता है और इंसुलेटर में भी सेम यही होता है, ठीक है, इंसुलेटर में भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा यहाँ पे। आगे है कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स इंस टू द करंट फ्लो थ्रू इट, है ना, तो आर इक्वल टू बी अपन आई हो जाएगा इस तरीके से। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम एंड इट्स डिनोटेड बाय द सिंबल ओमेगा, ठीक है, तो ये जो सिंबल होता है ओमेगा होता है, इसमें इस चीज से इसको डिनोट किया जाता है रेजिस्टेंस के सिंबल को, ठीक है, ओके। आगे वी नो दैट आर इक्वल टू बी अपन आई इस तरीके से हो गया, वन ओम इक्वल टू वन वोल्ट अपन ओ एम्पीयर लगा दीजिए तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला मेन जो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है, आर इक्वल टू बी अपन आई और वी इक्वल टू आई आर इस तरीके से, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पे कि वन ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर सच दैट द वन एम्पीयर करंट फ्लो थ्रू इट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज वन, तो सीधी बात है वन को कैसे डिफाइन करेंगे, वन ओम इक्वल टू कब होगा वन है, ये तभी होगा जब यहाँ पे वन वोल्ट होगा और, ठीक है, यहाँ पे वन एम्पीयर करंट फ्लो होगा इस तरीके से। द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बी एंड द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द ग्राफ स्ट्रेट पासिंग थ्रू इट ओरिजिन, मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए ग्राफ बना दिया आप करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का, तो इसका जो ग्राफ होगा ना हमेशा हमेशा स्ट्रेट लाइन से पास हो इस तरीके से, ऐसा। तो स्लोप ऑफ ये ग्राफ गिव द कंडक्टेंस एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप इज गिव द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वी आई ग्राफ का जो मतलब स्लोप होगा, ठीक है, इस तरीके से इसको कंडक्टेंस बोलते हैं, सॉरी ये जो है वी है और ये आई है, इसका जो ये होगा इसको हम कंडक्टेंस बोलेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं तो ये रेजिस्टेंस को उल्टा होता है, ठीक है, क्योंकि आर इक्वल टू आपको पता है ये होता है वी अपन आई, लेकिन यहाँ पे आर इक्वल टू निकालिएगा ना तो यहाँ पे आर इक्वल टू आपको उल्टा निकलेगा, ये दैट इज़ वॉट आई अपन भी निकलेगा, है ना, उल्टा हो गया, ये आई हो गया ये भी हो गया, ठीक है,
इसको हम अलग कलर से एक बार शो कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको। तो ये जो होगा ये दरवील भी आई, ठीक है, और ये जो होगा आपको ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो आर इक्वल टू वी अपन आई होता है, लेकिन यहाँ पे आर इक्वल टू निकलेगा आई अपन वी। तो ये आई अपन वी जो होता है इसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस, दैट इज वी अपन आई, सॉरी आई अपन वी, ठीक है। तो ये एक दूसरे में ठीक उल्टा काम होता है। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे क्या कि देखिए ठीक है, तो उसके बाद हम ये देख लेते हैं यहाँ पे जो कंडक्टर इज कंडक्टर अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम इजिली। तो कंडक्टर का काम होता है इलेक्ट्रिकन को अपने अंदर से फ्लो कराना, और इंसुलेटर फ्लो नहीं कराता आपको पता है, और सेमी कंडक्टर जो होता है ना पार्सली करता है, थोड़ा थोड़ा करता है, ठीक है। तो दिस सब्सटेंसेस विच हैज़ वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टर, एंड द सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर जो होता है ना बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी की, आप ध्यान रखेंगे। वैसे आपको पता भी होगा आई थिंक, ठीक है। तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद आगे हम बात करेंगे यहाँ पे अ सब्सटेंस हैविंग द इन्फिनिटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंसुलेटर। वही बात है कि जिसका बहुत ही ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस हो गया इंसुलेटर हो जाएगा, एंड इंसुलेटर डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। तो एक इंसुलेटर जो होता है अपने अंदर से, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देता। एग्जाम्पल की बात करें तो रबर एंड वुड, रबर हो गया वुड हो गया, ये सब इंसुलेटर होता है, ठीक है यहाँ पे। तो आगे बात करेंगे द रेजिस्टेंस कैन बी कम्बाइंड इन टू वेज, इन सीरीज एंड इन पैरेलल। द रेजिस्टेंस को आप कंबाइन करने का दो तरीका होता है, या तो सीरीज में होगा या तो पैरेलल होगा, ठीक है। सीरीज में होने का मतलब ये, इस तरीका आपको जब भी देखा इन टू इन कनेक्शन समझ आइए आप रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और पैरेलल में करने का मतलब आप इस तरीके से आप समझ जाइएगा, अब एक का स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों का सेम दिखेगा इस तरीके से, तो आप समझ जाइएगा ये पैरेलल है, ठीक है, और ये सीरीज हो गया, ओके। तो इन द केस ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड इन सीरीज, ओके। तो अगर बात करें सीरीज में ना, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज दैन। तो अगर एक ही करके, जैसे मान लीजिए ये अगर पाँच है, ये अगर पाँच छः है, ये अगर सात है मान लीजिए, तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा सेवन प्लस सिक्स प्लस सेवन, मतलब फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन, दैट इज एलेवन प्लस सेवन एटीन। तो इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा टोटल, ये आगे आपको एटीन आ जाएगा। तो देखिए इसका टोटल इंक्रीज हो जाता है ना, तो नेट अगर बात करें सीरीज में तो इंक्रीज होता है, लेकिन पैरेलल में डिक्रीज हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर ये 10 हो गया, ये 5 हो गया है ना, ये 20 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पैरेलल में कितना होगा, तो पैरेलल में उल्टा होता है, पैरेलल में घट जाएगा। अब इसको जोड़ने का भी तरीका अलग होता है पैरेलल का, सीरीज का जोड़ने का तरीका जो होता है, यहाँ पर देखिए आर एस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस ये इन्फिनिटी तक चले, ठीक है। और अगर आर अगर हम पैरेलल में जोड़े ना, तो इसका होगा यहाँ पे 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/20। तो ये पैरेलल की बात करें, पैरेलल में इन्वर्स करके होता है, ठीक है, और सीरीज में हम डायरेक्ट ऐड करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओके। तो इन द केस ऑफ द रेजिस्टेंस टू बी डिक्रीज्ड व्हेन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द पैरेलल, तो जब हम इन सबको पैरेलल में ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन टू इन कनेक्टिवली, है ना, दे आर सेड टू बी इन सीरीज एंड द कॉम्बिनेशन आर ऑफ द रेजिस्टेंस आर कॉल्ड दैट सीरीज, ठीक है। तो जब इन टू इन कनेक्शन हो तो सीरीज कहलाता है, ठीक है। और जब यहाँ पे एक ही पॉइंट से तीनों, मतलब या एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो, दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस का, तो दैट इज सेड टू बी इन पैरेलल, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आगे देखिए इसमें। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे सीरीज को दिखाया गया, यहाँ पे तो ये सीरीज हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जो है दैट इज व्हाट, ये सीरीज हो गया यहाँ पे, ठीक है, इन टू इन कनेक्शन है। तो आर इक्विवेलेंट अगर चाहिए ना यहाँ पे, तो सबको जोड़ दीजिए राइट, दैट इज सीरीज। और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज आर इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, है ना। तो अगर हमको सम निकालना है टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा इक्विवेलेंट, तो सबको आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए सीरीज में, है ना, तो ये आपको हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे व्हेन आर वन आर टू आर थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आर गिवन बाय, वही बात है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कि व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स देन दे आर सेड टू बी इन पैरेलल।
द रेसिप्रोकल ऑफ दिस कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। वही बात है कि जब एक ही पॉइंट से अगर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना तो ये पैरेलल होता है, तो ये पैरेलल हो गया। ठीक है, आपको अब इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा वन बाई आर कितना होगा, वन बाई आर वन प्लस वन बाय आर टू, ठीक है, प्लस वन बाय आर थ्री, तो ये जो होगा दैट इज आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हम बात करेंगे व्हेन आर वन आर टू आर थ्री आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द रिजल्टेंट विल बी आर पी गिवन बाय, तो यही बात आपको दिया होगा नेक्स्ट स्लाइड में ये, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इन द केस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन द रेजिस्टेंस जो होता है यहाँ पे द कंबाइंड रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। कोई बात हम इससे पहले ही आपको बता चुके हैं कि इसमें सीरीज में जो है घट जाता है। अगर मान लीजिए आर इक्विवेलेंट निकालिएगा ना, तो आर इक्विवेलेंट जो होगा जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा और ये तीसरा, तो तीनों में अगर मान लीजिए ये पाँच है, ये दस है, ये बीस है, तो आर इक्विवेलेंट जो निकालिएगा ना तो ये सबसे पाँच जो इससे भी कम होगा, दस से भी कम, तो ट्वेंटी, तो पाँच से अगर कम हुआ तो टेन ट्वेंटी से कम ही होगा। तो इस तरीके से आर इक्विवेलेंट जो होगा ना यहाँ पर हमेशा ये तीनों से कम आएगा। ठीक है, सबसे जो छोटा उनसे भी कम आता है। द कम्बाइंड रेजिस्टेंस इन द स्मॉलर देन द लीस्ट चेंज विल रेजिस्टेंस, वही बात है जो सबसे कम है ना उनसे भी कम आएगा आपको आर इक्विवेलेंट। इसमें द रेजिस्टेंस इज आर गिवन बाय आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब एक बात और कहा है कि रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है, तो रेजिस्टेंस चेंज होने के कुछ तरीके हैं। जब लेंथ बढ़ेगा ना तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। ठीक है, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर मान लीजिए एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्यों, क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास हो सकता है, तो इसलिए करंट क्या होगा बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस मतलब घटेगा, ये होता है। और यहाँ पर अगर इन तीनों को एक साथ कंबाइन किया गया, ये दोनों को एक साथ कंबाइन किया गया तो आर इक्वल टू आएगा एल अपन ए इंटू रो, अच्छा रो होता है रेजिस्टिविटी, लेंथ अपन ए इंटू रेजिस्टिविटी दैट इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है आर होता रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी जो होता है ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ओके, तो दस द रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ और रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर व्हेन एल इक्वल टू वन ए इक्वल टू वन देन आर इक्वल टू रेजिस्टिविटी। वही सही बात है, जब ये वन होगा ये वन होगा तो आर जो है रेजिस्टिविटी के ही बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे तो आर रेजिस्टिविटी का बराबर हो जाएगा जब एल और ए इक्वल हो, तो एल और इक्वल कब होगा जब एक क्यूब की बात करेंगे तब। क्यूब में देखिए इसका लेंथ और एरिया बराबर होता है, यूनिट क्यूब में है ना, यूनिट क्यूब में अगर इसका लेंथ ए बराबर वन है तो इसका जो एरिया होगा किसी भी फेस का दैट विल बी वन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वन ही आएगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, द एस यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज गिवन बाय द ओम मीटर। ठीक है, एस यूनिट जो होगा रेजिस्टिविटी का ओम मीटर आएगा, कैसे आएगा देख लीजिए आप, यहाँ पे कोई बड़ी बात तो है नहीं। यहाँ पे देखिए आर अगर हमको निकालना रेजिस्टिविटी तो आर ए को इधर ले जाइए और एल को यहाँ रख दीजिए इक्वल टू रेजिस्टिविटी। आपको आर का पता है ओम होता है यूनिट, ए का पता है मीटर स्क्वायर होगा और एल का पता है एम होगा दैट इज ये कट जाएगा, तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू ओम मीटर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो होता है यहाँ पे ना ओम मीटर होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो व्हाट वी नीड हियर, तो आपको समझ में आ रहा है क्या हम कहना चाह रहे हैं कि रेजिस्टिविटी का यूनिट जो होता है ओम मीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए आप इतना टॉपिक काफ़ी है आपको इसका जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सारे हम टॉपिक को कवर कर लिए इसमें जो भी होना चाहिए था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, अपने फ्रेंड को, और ताकि उनको भी थोड़ा सा एग्ज़ाम आ रहा है तो शॉर्ट में रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, ये तक समझिए एक तरीके से ये शॉर्ट रिवीजन है, और न्यूमेरिकल बनाने के लिए तो आपको पूरा न्यूमेरिकल इसमें दिया हुआ है, आप TMH सॉल्यूशन डाल खोज लीजिए आपको मिल जाएगा TMH, और इस पर इससे बेटर होगा HCl-Mahotra खोज लीजिए, HCl-Mahotra जल्दी मिल जाता है इसमें। ठीक है, Mahotra सॉल्यूशन आप जिस सब्जेक्ट जिस चैप्टर को खोजिए, इलेक्ट्रिसिटी में तो इलेक्ट्रिसिटी डाल दीजिएगा, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक तो वो डाल दीजिएगा। ठीक है, तो खोज लीजिए क्लास 10, क्योंकि क्लास 9 का भी है क्लास 10 का भी, तो क्लास 10 डाल दीजिएगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आप खोज सकते हैं सारी चीज़। ठीक है, इस तरीके से तो आपको मिल जाएगा। तो आप एक एक करके सारे वीडियोज़ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए, थैंक यू।